दोस्तों, कैसे आप सब। मैं मंसूर लाया हूँ आपके लिए आज की ताज़ा खबर, और आपका स्वागत है हमारे चैनल ER मंसूर अहमद में। आपको बता दूँ, ये जो न्यूज़ है अब वो राजस्थान की है। राजस्थान में NSDLEd वालों के लिए खुशखबरी है। NSDLEd वाले रीट का टेस्ट दे सकते हैं और वहाँ की भर्ती में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जब से NCT ने लेटर जारी किया है इसे पूरे देश में मान्यता मिल गई है और ये UTET और CTET भी दे सकता है। अब बात आती है उत्तराखंड की, बात कर लेता हूँ कि अभी UTET के फॉर्म निकले हैं, बोल रहे हैं कि इसमें अदर का ऑप्शन नहीं है। भाई हमने ये जो कोर्स है 2 साल का, ये 18 महीने में करा गया था, 2 साल का है पूरा ये, तो उसमें ये थोड़ा ही ना बताया गया कि वो तो एक संस्था है NIS, आप 2 साल का है तो 2 साल का ही वहाँ पर टिक करेंगे, अगर अदर है तो तब अदर करेंगे, लेकिन अगर 2 साल का पूरा दिया है तो 2 साल पर आप टिक करेंगे, घबराए नहीं। क्योंकि इसमें जो है NCT ने जब से लेटर जारी किया है तो पूरे देश में ये वैलिड हो गया है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब NIS DLEd करने वाले अभ्यर्थी दे सकते हैं रीट की परीक्षा, देख सकते हैं, यह है आप न्यूज़ में देख सकते हो। अब NIS DLEd करने वाले अभ्यर्थी दे सकते हैं रीट की परीक्षा, यह है झुंझुनू सीमा संदेश संवाददाता। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान DO के प्रधानाचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि NIS DLEd की डिग्री करने वाले अभ्यर्थियों का NCT ने NIS की DLEd की डिग्री को पूरे देश में रीट की परीक्षा के लिए योग्यता प्रदान कर दी है। अब NIS DLEd करने वाले अभ्यर्थी रीट की परीक्षा दे सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, धन्यवाद। और